नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान के भरतपुर में करौली के पांचना बांध से आ रहा पानी विवाद का विषय बन चुका है, जिसको लेकर विधायक व पुलिस अधिकारी के बीच तेज नोकझोंक हो गई। यहां तक कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। इस बीच विधायक के समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। ये मामला बयाना का है, जहाँ बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत और उनके पति ऋषि बंसल सेवला हेड पर पहुंच गए, जहाँ प्रशासन ने पांचना बांध से आने वाले पानी को रूपवास की तरफ जाने से रोक दिया था। विधायक वे उनके समर्थक सेवला हेड से रूपवास की तरफ पानी छोड़ने की मांग कर रहे थे, मगर मौके पर तैनात पुलिस के अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीना और विधायक ऋतु एवं उनके पति ऋषि बंसल के बीच जमकर नोकझोंक। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में आज एक दर्दनाक हादसे में बाप बेटे और पोते तीन जनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का कारण कार का इंदिरा गांधी नहर में गिर जाना था। बताया जा रहा है कि राठीखेड़ा के रहने वाले पेश इमाम मरगूब साहब अपने बेटी के साथ कार सीखने के लिए घर से निकले थे। उनके साथ में उनके बड़े बेटे का लड़का भी साथ में बैठा। इंदिरा गांधी नहर की पटरी पर जब कार सीख रहे थे, अचानक से कार नहर में जा गिरी और कार के शीशे नहीं खुल पाए। इसके चलते तीनों की अंदर ही दर्दनाक मौत हो गई। झुंझुनू के दोरासर स्थित सैनिक स्कूल में 12 बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी शिक्षक रविंद्र सिंह शेखावत को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 अलग अलग धाराओं में रविंद्र सिंह को दोषी मानते हुए 81,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक वीडियो जारी कर आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएम ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेते हुए किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें, इस कठिन समय में सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम ने सोमवार शाम को दिल्ली से आते ही सीएम भजन लाल शर्मा एयरपोर्ट से सीधे अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। कोलकाता के लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में कल से यानी मंगलवार से ओपीडी सेवाओं को ठप करने का ऐलान किया है। इस दौरान देश भर में अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। उधर राजस्थान के उदयपुर और जयपुर में भी रेजिडेंस डॉक्टर भी हड़ताल पर रहेंगे, जिसके कारण अस्पतालों में आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान शासन प्रशासन के विरोध ने नारेबाजी कर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जताया कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर में भारतीय सेना के एक जवान के साथ पुलिस पर मारपीट करने का मामला सामने आया। शिप्रापद थाना पुलिस पर सेना के जवान के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक सेना के जवान को थाने में निर्वस्त्र करके पीटा गया है, फिर लोगों के बीच बैठा दिया गया। मामले को लेकर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद जयपुर के शिप्रा थाने पहुंचे और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए एएसपी जमकर फटकार लगाए। राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि जब सेना के जवान के साथ पुलिस का ऐसा बर्ताव है तो आम जनता से किस तरह बर्ताव। सीमा पार से हो रही घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ स्मार्ट फेंसिंग और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। बीएसएफ ने घुसपैठ रोकने के लिए ऐसी फेंसिंग लगानी शुरू कर दी है, जिसके साथ छेड़छाड़ होते ही हेडक्वार्टर पर अलर्ट चला जाएगा। ऑपरेशन अलर्ट के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर बीएसएफ के जवानों के साथ साथ सभी अधिकारी भी सीमाओं पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ डटे हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जारी किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के बीच घुसपैठ और तस्करी की बढ़ती संभावनाओं में इसके साथ ही बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए भी सीमा सुरक्षा बल। एक पौधा माह के नाम अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल भी सरहद से लेकर सड़क पर पौधारोपण कर रही है। जैसलमेर में सोमवार को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डाबला में बीएसएफ द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल सेक्टर साउथ के डीआईजी एवं विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष विक्रम कुंवर ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बावल बीएसएफ साउथ की अध्यक्ष माधुरी कंवर रही। ये सबसे पहले स्काउट और गाइड के छात्र छात्राओं द्वारा कलर पार्टी के माध्यम से स्वागत किया गया।
कई जगहों पर मानसून केवल भारी बारिश का ही नहीं बल्कि अब आपदा और तबाही का रूप ले चुका है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके असर से पिछले 24 घंटे में एक बार फिर भरतपुर जयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई है। रिकॉर्ड तोड़ भारी बारिश दौसा और करौली जिले के किसी किसी इलाके से रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी अपने नॉर्मल पोजिशन से गुजर रही है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।